और ये देखिए पर्पल प्लांट, मैं आपको बोल रही थी ना कि दूसरे गमले में फ्लावर दिखाऊंगी, तो ये देखिए कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं, और भी हैं उधर भी गमले में, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। और मैंने कोई ये सारे गमलों में प्लांट नहीं लगाए हैं, मैंने एक प्लांट लगाया था, बीज गिर गिर के अलग अलग पौधों में अलग अलग गमलों में प्लांट निकल गए कितने सारे, ये देखो। एक बार लगाने की ज़रूरत है, फिर तो ये अपने आप फैल जाते हैं जगह जगह सारे में, ये देखो कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। और ये है मरवे का प्लांट, ये भी कितना बड़ा हो रहा है, और छोटी सी बाल्टी में लग रहा है ये भी, ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है। ये है मेरा कनेर का प्लांट, ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, एक ही बाल्टी में दो कलर के लगा रखे हैं मैंने, ये पिंक और वाइट, ये देखिए वाइट फ्लावर भी आ रहे हैं, ये देखो एक बाल्टी में लग रहे हैं दो प्लांट, है ना। और ये देखो ये भी मैंने बीज से लगाए थे, कितने अच्छे चल रहे हैं, कितने सारे प्लांट निकले हुए हैं, छोटे हैं ना अभी तो, अभी फ्लावर नहीं आए इसमें, पर बहुत सारे प्लांट हो रहे हैं, ये देखिए इसमें अलग अलग कलर के प्लांट हैं कनेर के, मैंने अलग अलग बीज एक ही बाल्टी में डाल दिए थे। और ये देखो अपराजिता की बेल, छोटे से गमले में लग रही है ये यहाँ पे। और ये देखो नीम का प्लांट भी है इसमें, टंकी में, टंकी के अंदर लगा रखा मैंने, और उसके ऊपर देखो चढ़ रही है, कितनी ऊपर तक चढ़ रही है ये देखो। और फ्लावर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, डेली फ्लावर आते हैं इसमें, पाँच पाँच छः छः, कितनी अच्छी चल रही है ये। एक ही टंकी के अंदर मैंने गमले भी रख रखे हैं, और मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट भी है इसमें, पर्पल वाला भी है, कई सारे प्लांट लग रहे हैं देखो, कनेर के प्लांट भी लग रहे हैं, ये देखिए। ये है मोरपंख का वेदी का प्लांट, ये मैंने मटके में लगा रखा है और बहुत अच्छा चल रहा है, ये देखिए ये पर्पल वाले फ्लावर, कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं एक ही गमले में, है ना, ये देखो, ये देखिए। और ये है चंपा का प्लांट, ये देखिए चंपा का, दो तरह के चंपा है मेरे पास, ये देखिए इसमें ये फ्लावर आ रहा है चंपा, और एक में बिल्कुल वाइट फ्लावर आ रहा है, अभी आया नहीं है इनमें, जब आएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है सुंदर रूपा, ये देखिए इसके कितने सुंदर फ्लावर लग रहे हैं। और ये देखो ये मैंने ग्रो बैग बना रखा है खुद से, कट्टे का बनाया था मैंने, वो जो कट्टा होता है चावल का उसका, ये ग्रो बैग मैंने बनाया था। और ये मैंने चिड़िया के लिए पानी रख रखा है कटोरे में, आप भी रखिए, इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए मैंने ये पानी रख रखा है, आई जाती हैं कभी कभार एक एक दो दो चिड़िया इसमें, और पानी पी के जाती हैं, मैं डेली इसको भर देती हूँ। अभी इसमें ये शायद पत्ते गिर गए हैं पौधों के, मैंने सुबह ही भरा था, ये पत्ते गिर गए होंगे इसमें शायद, ये देखिए। और ये ग्रो बैग में कितना अच्छा चंपा चल रहा है, इसमें दो प्लांट लग रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, फ्लावर भी आते हैं इसमें प्लांट में, ये देखो। ये है मेरा गुलाब का प्लांट, कितना अच्छा चल रहा है, आज फ्लावर नहीं आया इसमें, इसमें दो दो तीन तीन फ्लावर डेली आते हैं। ये है येल्लो बैल, और ये देखिए ये येलो कनेर है, इसमें देखो फ्लावर आ रहे हैं, ये देखिए सब में कलियाँ आ रही हैं, इसमें भी तीन तीन चार चार प्लांट आते हैं, ये देखिए ये सूख गए हैं, कल निकले थे, ये देखिए ये पर्पल वाले फिर से देखो यहाँ पे भी आ रहे हैं, कितने सारे गमलों में उग रहे हैं मेरे पर्पल वाले, बीज गिर गिर के सारे गमलों में पर्पल वाले प्लांट उग रहे हैं, और कितने अच्छे चल रहे हैं, है ना। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा गार्डन छोटा सा अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा। आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।